आज की इस वीडियो में हम सीख लेते हैं हिंदी का फॉन्ट किस तरीके से डाउनलोड करेंगे और साथ ही साथ उसको किस तरीके से अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में इंस्टॉल करेंगे। उससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पे मैंने अपना कोरल ड्रॉ का सॉफ्टवेयर ओपन किया है और यहाँ पे फॉन्ट में हम जाते हैं और यहाँ पे फॉन्ट में आप देखेंगे मेरे पास जितने भी यहाँ भी फॉन्ट दिख रहे हैं आपको, ये सारे इंग्लिश के फॉन्ट हैं, यानी जो कंप्यूटर और लैपटॉप के साथ ऑलरेडी इंस्टॉल होता है वही फॉन्ट है। क्योंकि मैंने अपने लैपटॉप को फॉर्मेट कर दिया था तो इसीलिए अभी इसमें कोई भी नया फॉन्ट नहीं पड़ा है और अब हमको हिंदी का फॉन्ट इंस्टॉल करना है। तो चलिए देख लेते हैं किस तरीके से डाउनलोड करेंगे और किस तरीके से इंस्टॉल करेंगे। फॉन्ट को डाउनलोड करने के लिए आपको अपना गूगल ओपन करना पड़ेगा या जो ब्राउज़र भी आप यूज़ करते हैं उसको ओपन करना पड़ेगा और यहाँ पर हम सर्च कर लेंगे tr bahadurpur.in लिख करके गूगल में आप इंटर करेंगे। अगर आप डायरेक्ट गूगल में सर्च कर रहे हैं तो आएगी वेबसाइट, उसको ओपन करना पड़ेगा, नहीं तो डायरेक्ट ब्राउज़र में लिखेंगे तो मेरी ये साइट ये ओपन हो जाएगी tr bahadurpur.in। यहाँ पे ओपन हो चुका है। अब आप इधर देखेंगे यहाँ पे छोटा सा सर्च लिखा हुआ है तो इस पर क्लिक करना है और जो भी फॉन्ट आपको चाहिए, हम राज फॉन्ट डाउनलोड करेंगे तो हम यहाँ पर लिख देते हैं राज फॉन्ट और इंटर कर देंगे। आप किसी भी वेबसाइट में अगर कुछ भी सर्च करना चाहते हैं तो वहाँ पे सर्च का ऑप्शन होता है, लिख के सर्च करेंगे तो सारी चीज़ें जो वेबसाइट के अंदर पड़ी होंगी उस नाम से मिल जाती हैं। आप गूगल पे डायरेक्ट राज फॉन्ट बाय टी आर बहादुरपुर लिख के भी सर्च करके इस पेज पर आ सकते हैं और इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप चाहें तो वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर राज हिंदी फॉन्ट फ्री डाउनलोड का ऑप्शन आ चुका है। अब हम इसको डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के लिए रीड मोर बटन पर हम क्लिक करेंगे। अब ये वाला पेज आया है जो मैं आपको लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप यहाँ पे आ जाएंगे। रीड मोर पे आपको क्लिक करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी और थोड़ा सा आप नीचे आएंगे। याद रहे कि यहाँ पे जो लिखा होता है वो आपको पढ़ना ज़रूरी होता है, नहीं तो फाइल में क्या है, किस तरीके से ओपन करना है, ये सब आप नहीं जान पाएंगे। जैसे इस फाइल में पासवर्ड लगा है, अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो डाउनलोड करने के बाद भी आपको ये कोई काम नहीं आएगा, इसीलिए आप इसको पढ़ लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। यहाँ पे हाईलाइट करके लिख दिया गया है कि राज हिंदी फॉन्ट टोटल का पासवर्ड राज 123 यही है, ये इसका पासवर्ड है। तो इसको हम पहले कॉपी कर लेते हैं, चाहे तो आप याद भी कर सकते हैं राज 123 ये पासवर्ड है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है राज फॉन्ट डाउनलोड, इस पर हमको क्लिक करना है। जैसे ही हम उस पर क्लिक करेंगे गूगल ड्राइव की ये फाइल ओपन हो जाएगी और यहाँ ऊपर आप कोने में देखेंगे एक तीर बना हुआ है डाउनलोड का, अभी बीच में भी डाउनलोड लिख के आ जाएगा। ये देखिए पूरा फोल्डर आ चुका है। तो हमको यहाँ से कुछ नहीं करना है, इस तीर पे आना है ऊपर राइट साइड में दाहिने तरफ जो कोने में तीर बना है, इस तीर पर हमको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप तीर पे क्लिक करेंगे आपकी फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी फ़ाइल डाउनलोड हो चुकी है। हम फोल्डर ओपन करते हैं जहाँ पे ये डाउनलोड फाइल हमारी हुई है। ये फाइल है हमारे पास राज फॉन्ट बाय टीआर बहादुरपुर के नाम से। याद रहे कि ये जिप फाइल है, जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपके पास विनरार का सॉफ्टवेयर होना ज़रूरी है। अगर नहीं है तो आप उसको भी tr bahadurpur.in से ही डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट ओपन करिएगा और जिस तरीके से हमने राज लिख के सर्च किया आप विनरार लिखिएगा, सॉफ्टवेयर का नाम WINRAR विनरार लिख के सर्च करिएगा और उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद जब आप उसको इंस्टॉल कर लेंगे तो फिर इस तरीके का तीन किताब आपको दिखने लगेगा। अब इस पर आपको राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करके स्टार्ट करना है। आपका यहीं पे ऑप्शन आ जाएगा, लेकिन मेरा इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि मैं विंडो 11 यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे शो मोर ऑप्शन पे क्लिक करूँगा फिर ये ऑप्शन आएगा। आप में जैसे ही राइट क्लिक करेंगे ये ऑप्शन आ जाता होगा। तो आपको इस पर चार नंबर वाले पे स्टार्ट टू राज फॉन्ट बाई टी आर बहादुरपुर इस पर क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे ये देखिए आपसे पासवर्ड मांगेगा। बहुत सारे लोग होंगे जो विनरार नहीं यूज़ करेंगे तो हर फॉन्ट में उनसे पासवर्ड मांगता है। हम एक बार पासवर्ड डालेंगे और सारा फॉन्ट हमारा ओपन हो जाएगा। पासवर्ड हमारा क्या था, राज 123। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं राज 123। सो पासवर्ड पे आप क्लिक करेंगे तो आपका पासवर्ड यहाँ पे दिख जाएगा कि क्या पासवर्ड है। उसके बाद आपको ओके करना है। ओके करने के बाद 6
ठीक इसी नाम से एक फोल्डर बन जाएगा उसी जगह पे जहाँ पे आप ये डाउनलोड किए थे। अगर आप डेस्कटॉप पे रखे होंगे तो डेस्कटॉप पे बनेगा, डाउनलोड फोल्डर में रखे होंगे तो डाउनलोड में बनेगा। आप देखेंगे यहाँ पे फोल्डर हमारा बन चुका है राज फाउंड बाई टीआर बहादुरपुर। हम इसको डबल क्लिक करके ओपन करेंगे। एक बार फिर से एक फोल्डर आ जाए इसको भी ओपन करेंगे और यहाँ पे सारे हमारे हिंदी के राज जो फॉन्ट है वो आ चुके हैं 144 फॉन्ट है। तो क्या 144 फॉन्ट को हम एक एक करके इंस्टॉल करेंगे? जी नहीं, बल्कि एक बार में ही हम सारे 144 फॉन्ट को इंस्टॉल कर लेंगे। तरीके बहुत सारे हैं लेकिन इसमें बिल्कुल आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। आपको किसी एक पे क्लिक करना है और अपने कीबोर्ड से कंट्रोल ए दबाना है। जैसे ही आप कंट्रोल ए दबाएंगे पूरा फॉन्ट सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको राइट क्लिक करना है। कंट्रोल ए दबाने के बाद आपको ओके नहीं करना है, राइट क्लिक यानी जो दूसरा वाला बटन होता है माउस में उसको क्लिक करना है। जब उसको आप क्लिक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा इंस्टॉल, इस पर ओके कर देना है। और जैसे ही आप इंस्टॉल पे ओके करेंगे ये सारा फॉन्ट आपका इंस्टॉल होने लगेगा। बीच में कुछ इस तरीके का आपको एरर आ सकता है, यहाँ पे लिखा है डोंट शो फॉर रिमेनिंग आइटम यानी बार बार हमको ये शो नहीं होना चाहिए। तो आप इस पर टिक करिए और यहाँ से क्लोज कर दीजिए। अगर आप टिक नहीं करेंगे तो क्लोज करेंगे तो कई बार आपको क्लोज करना पड़ेगा, 2-3 बार 4 बार जितने भी ऐसी फाइलें होंगी। और अगर आप टिक कर देंगे तो वो बार बार नहीं मांगेगा ओके करने को। बस थोड़ी ही देर के अंदर आप देखेंगे हमारा 144 जो फॉन्ट था सारा का सारा इंस्टॉल हो जाएगा। ये तो हमने फॉन्ट को अपने इंस्टॉल कर लिया। अब चेक भी कर लें कि क्या ये फॉन्ट हमारा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो फिर से हम अपने कोरलड्रा में आते हैं और यहाँ पे हम टेस्ट टूल में आके कुछ भी पहले लिख लेते हैं, फिर पिक टूल पे आएंगे और यहाँ ऊपर फॉन्ट वाले ऑप्शन में आएंगे। फॉन्ट वाले ऑप्शन में आने के बाद यहाँ पे नीचे आएंगे, हम देखेंगे यहाँ पे राज का फॉन्ट आया या नहीं आया। क्योंकि कोरलड्रा हमारा पहले से ओपन था तो हो सकता है कि इसमें ना आया हो, जब इसको बंद करके दोबारा चालू करेंगे तो आ जाएगा। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है, हमको बंद करके चालू करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सारा फॉन्ट हमारा यहाँ पे आ चुका है, किसी पे भी आप क्लिक करके देख सकते हैं इस तरीके से। और फिर आप जो चाहें इसमें टाइप कर सकते हैं। ठीक,